नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अनंत सिंह को लेकर। बिहार में हुए दो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों को इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि उन्हें अभी अपने क्षेत्र में और काम करने की ज़रूरत है। इन विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां महागठबंधन के लिए एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, तो वहीं बीजेपी अपने आप को आंक रही थी कि नीतीश कुमार के NDA से अलग होने के बाद उनका नुकसान होगा या फायदा। खैर, रिजल्ट ने यह बात साफ कर दिया है कि दोनों ही तरफ पहले जैसे हालात रहे हैं। मोकामा से एक बार फिर से राजद की जीत मिली, तो वहीं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव मैदान में थी, तो वहीं गोपालगंज में कुसुम देवी को जीत मिली है। हालांकि महागठबंधन यह भी बात लगातार कह रहा था कि हम दोनों ही सीटों पर जीत सकते हैं, हालांकि बाद में ऐसा न हो सका और दोनों ही सीटों पर पहले जैसे परिणाम देखने को मिले। हालांकि मोकामा में जीत मिलने के बाद नीलम देवी काफ़ी खुश दिखी। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद दो और चेहरे थे जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे थे, और वह थे अनंत सिंह के बेटे। जीत के बाद घर पहुंचने के बाद बेटे ने अपनी मां के पैर छुए। इन दिनों भले ही अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन चुनावी जीत के बाद यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का रसूख अभी भी बना हुआ है। इन सब के बीच में एक बात यह भी लोग दबी जवान से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अनंत सिंह के दोनों बेटे बिहार की सियासत में एक्टिव हो सकते हैं। इन्हें अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार के वारिस के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बिहार की सियासत में अनंत सिंह के बेटों की एंट्री को लेकर जब उनसे पूछा गया तो अनंत सिंह के बेटे अभिषेक और अंकित ने बताया कि यह भविष्य के गर्त में है कि वह बिहार की सियासत में एक्टिव होंगे या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले अनंत सिंह के बेटे यानी कि अभिषेक और अंकित कभी दिखाई नहीं दिए थे। ऐसे में अचानक से चुनाव परिणाम के दिन आना यह आने वाले दिनों के राजनीतिक संकेत को दिखाता है। हालांकि अब यह भी सवाल पूछा जाने लगा है कि अनंत सिंह के ये दोनों बेटे करते क्या हैं और रहते कहाँ हैं। आपको बता दें कि अनंत सिंह के दोनों बेटे जुड़वा हैं, ये दोनों इन दिनों दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के जन्म में बस एक मिनट का अंतर हुआ है। यह भी बताया गया है कि अनंत सिंह के दोनों बेटे पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मोकामा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ये दोनों चेहरे दिखाई दे दिए तो लोगों के सवाल पूछना शुरू कर दिया। जब इनसे पूछा गया कि क्या आप अनंत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में जनता के बीच आएंगे, उन्होंने कहा कि हम उनके उत्तराधिकारी के रूप जरूर बनेंगे और आज जो यह जनादेश आया है वह सब जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। वे अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में अब यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अनंत सिंह के बेटे बिहार की सियासत में एक्टिव दिख सकते हैं। आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट मामले में अनंत सिंह को सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। ऐसे में उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव मैदान में उतरी और उन्हें भी शानदार जीत मिली है। इसी जीत के बाद अनंत सिंह और नीलम देवी के बेटे अभिषेक और अंकित का चेहरा सामने आया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि क्या अभिषेक और अंकित आने वाले दिनों में अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे। ऐसे में अब देखना है कि इस राज से पर्दा कब उठता है। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।